सुन राहुल गांधी सुन, तू एक बार फिर राफेल की तरह चीन को लेकर भी मोदी जी पर झूठे आरोप लगा रहा है। तो पहले ये भी सुन ले, तेरे सन की बाप राजीव गांधी ने अपनी हनक में श्रीलंका में 1200 सैनिकों को शहीद कर दिया था, वो भी तब जब सेना अध्यक्ष और खुफिया एजेंसी रॉ ने मना किया था। भूल तो नहीं गया कि 1962 के युद्ध में तुम्हारे परनाना नेहरू ने किस प्रकार भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई थी। लेकिन इन 20 शहीद सैनिकों ने उसी चीन को औकात दिखाई। क्या तू भूल गया 1954 में तुम्हारे सन की परनाना नेहरू ने तिब्बत को कैसे चीन के हाथों सौंप दिया था? क्या तू भूल गया 1957 में इसी चाचा नेहरू ने अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया? क्या तू भूल गया कि 1960 में गुलाब का फूल अपने सूट में सजाने वाले तुम्हारे इस परनाना ने यूएन सुरक्षा परिषद की सदस्यता तोहफे के रूप में चीन को दे दी थी? कभी ये समझ में नहीं आता कि आखिर चीन ने इस नेहरू गांधी खानदान को ऐसी क्या घूस दी है कि पूरा खानदान ड्रैगन की गुलामी करने लगा है। जब जब चीन को जरूरत हुई, नेहरू ने भारत माँ के अंग काट कर दे दिए। आज भी जब जब चीन मुसीबत में फंसता है तो तुम्हारा खानदान और तुम्हारी बपौती पार्टी उसकी मदद करने लगती है। बता राहुल गांधी, 2008 में तुम्हारी पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से देश हित के ऊपर जाकर समझौता क्यों किया था? बता राहुल गांधी, 2010 से 2013 के बीच क्यों तुम्हारी माँ सोनिया के राज में मनमोहन की सरकार ने 640 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया? बता राहुल गांधी, क्यों 2017 में डोकलाम में हार रहे चीन को बचाने के लिए तुम चीनी राजदूत से चुपचाप मिलने पहुंच गए थे? राहुल गांधी, राजनीति में दिक्कत नहीं है, मोदी के विरोध में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार तुम और तुम्हारा खानदान भारत विरोध में जुट गया है, आने वाले दिनों में तुम्हारा खानदान भी इतिहास में जयचंद की तरह जाना जाएगा।